Hey यह है वॉइस विद वारिकू के साथ इस हिंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीजें कवर करता हूँ करियर रिलेशनशिप्स पर्सनल फाइनेंस सक्सेस फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय जहन में आता है हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड वॉइस विद वारिकू इस पॉडकास्ट एपिसोड में मैं ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो अक्सर हर एक ट्वेंटी ईयर ओल्ड अपने आप से बोलता है या महसूस करता है एंड आई हैव कम टू रियलाइज एट द एज ऑफ फोर्टी टू कि ये चीजें शायद कहीं ना कहीं हमें डैमेज करती हैं एंड आई विश एवरी ट्वेंटी ईयर ओल्ड ये चीजें अपने आप से बोलना बंद कर दे नंबर वन आई एम अ लूजर हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अपने ट्वेंटीज में ना हम ही लूजर है हम ही वो अकेले इंसान है जिसको अभी तक पता नहीं चला है कि जिंदगी में क्या करना है हर एक इंसान फिगर आउट कर चुका है हर एक इंसान स्मार्ट है हर एक इंसान सर्टन है हम में ही कुछ कमी है हम में ही कुछ गलत है लेकिन सच यह है दोस्तों कि हर एक इंसान यही सोच रहा है हर एक इंसान को लग रहा है कि वही कहीं अलग है और बाकी हर एक इंसान सॉर्टेड आउट है पर वो सच नहीं है नंबर दो हर एक इंसान अपने ट्वेंटीज में अपने को बोलता है कि मुझे ना इस डेकेड में सेटल करना है क्योंकि ट्वेंटीज एक ऐसा क्योंकि ट्वेंटीज एक ऐसा डेकेड है जहां पूरी दुनिया आपको बोल रही होती है सेटल हो जाओ सेटल हो जाओ जल्दी से पढ़ाई खत्म करो सेटल हो जाओ जॉब ले लो सेटल हो जाओ शादी कर लो सेटल हो जाओ बच्चे कर लो सेटल हो जाओ वो घर खरीदो वो बंगला खरीदो सेटल हो जाओ लेकिन सच ये है कि ट्वेंटीज अपना डेकेड जो है ना वो एक्सप्लोर करने के लिए वो ये जानने के लिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं किस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है और वो भागने के लिए नहीं सिर्फ ढूंढने के लिए नंबर तीन हर एक इंसान बोल रहा होता है मुझे पैसा चाहिए और अभी चाहिए बहुत सारे लोग हैं स्पेशली वो जो पैसे के बिना बड़े हुए हैं वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी ना वैसे जीना शुरू कर देते हैं जॉब चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली ताकि पैसा मिले हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं हम वो स्टॉक टिप्स को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं जहां हमें लगता है कि रातों रात पैसा बन चुका है वहां हम जाने की कोशिश करते हैं लेकिन सच ये है कि अपना ट्वेंटीज में आपका फोकस पैसा नहीं लर्निंग होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने अपने सीखने पे फोकस कर दिया तो पैसा तो ऑटोमेटिकली एक साइड इफेक्ट बन जाएगा नंबर चार लोग ये बोलते हैं कि मैं स्टक हूं सच ये है कि आप हारेंगे सच ये है कि आप में सेल्फ डाउट आएगा सच यह है कि आप सफर करेंगे सच यह है कि आप एक्सपीरियंस करेंगे सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन और आप पैरालाइज्ड फील करेंगे आप हेल्पलेस फील करेंगे लेकिन सच यह भी है कि आप स्टक नहीं है कहीं भी आप हो जहां भी आप हो जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो यू कैन ऑलवेज टेक द स्मॉलेट पॉसिबल स्टेप टू गेट यू आउट ऑफ वेर यू आर राइट नाउ आप एक बहुत छोटा कदम ले सकते हैं ताकि आप जहां भी अभी हैं उससे बाहर निकल सके नेक्स्ट बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया आई सो फार आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे आपकी सक्सेस और दूसरों की सक्सेस की वजह से आप में एक दरार पैदा होगी दूसरों की सक्सेस से आपको बल्कि डर लगेगा आप अपनी तरफ देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप तो कहीं भी नहीं है हर एक इंसान कितना आगे बढ़ चुका है और आप वहीं के वहीं हैं लेकिन सच ये है कि अपनी ट्वेंटीज में आप जहां हैं ना वो फर्क नहीं पड़ता आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसका फर्क पड़ता है तो अपनी दिशा सही से चुनिए बहुत लोग अपने ट्वेंटीज में बोलते हैं जिंदगी खत्म हो गई है मैं तो ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका हूं आप अपनी जिंदगी में एक टारगेट बनाते हैं एक गोल बनाते हैं और उसके ऊपर फिर एक डेडलाइन या एक टाइमलाइन डाल देते हैं जो कि जरूरी नहीं है अगर आप उस चीज को एक साल या दो साल बाद भी हासिल कर पाएंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा जितना कि उस वक्त में हासिल कर पाना सच यह है कि आपके पास वक्त है आप बूढ़े नहीं हुए हैं आप सिर्फ अर्ली हैं इन दिस गेम ऑफ लाइफ बहुत लोग बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सक्सेसफुल जाने मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सक्सेसफुल माने मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सक्सेसफुल इंसान की तरह देखें तो आपको वो बंगला गाड़ी वो फोन वो सैलरी वो ब्रांड वो हर एक चीज चाहिए जिससे आप अच्छे दिख सकते हैं सक्सेसफुल दिख सकते हैं लेकिन सच ये है कि लोगों का ओपिनियन आपके बारे में आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता जब तक आप खुद अंदर से अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते बहुत लोग अपने ट्वेंटीज में ये बोलते हैं कि ये साल ना मेक ऑर ब्रेक है इस साल अगर मैंने कर दिया तो जिंदगी सेट है और अगर इस साल नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद मुझे याद है कि मैं भी ऐसा ही महसूस करता था हर एक साल अपने की में अपने आपको यही बोलता था कि इस साल अंकुर अगर तुमने कर दिया तो तो सब सेट है नहीं किया तो फिर कहीं कुछ नहीं होने वाला <laughs> लेकिन हर एक साल वही कहानी फिर से दोहराई जाती थी फिर से दोहराई जाती थी सच ये कि अपने 80 साल की जिंदगी में ना कोई भी एक साल नहीं है जिसमें इतनी शक्ति इतनी पावर है कि वो अपनी पूरी जिंदगी डिसाइड कर सकती है अनलेस आप उसको इतनी पावर देते हैं हर एक इंसान अपने ट्वेंटीज़ में बोल रहा होता है कि आई नीड टू फाइंड माय पैशन अरे भाई पैशन ना कहीं छुपा नहीं हुआ है ये नहीं है कि सोफे के नीचे है टेबल के पीछे है अलमारी में कहीं फंसा हुआ है ना पैशन बनाना पड़ता है और जिस दिन हमारा पैशन हमारी आंखों के सामने आ जाता है ना हमारी जिंदगी बदल जाती है लेकिन उस चीज में वक्त लगता है। हम अपने पैशन को ढूंढते नहीं है हर एक के लिए। काफी लोग अपने ट्वेंटीज में बोल रहे होते हैं कि अपनी हेल्थ अपनी नींद ना वेट कर सकती है इसको हम बाद में भी कर सकते हैं तो हम चीजें पोस्टपोन करते रहते हैं हम पूरे ऑल नाइटर्स मारते रहते हैं अपनी रातों को बर्बाद कर देते हैं सोने का कोई स्केड्यूल नहीं बनाते हैं जंक खाते रहते हैं जब कभी भी मन करे तब खाते रहते हैं अपनी बॉडी को लिटरली अब्यूज करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कल एक ऐसा दिन आएगा जब हम सब कुछ फिक्स कर देंगे हम उस दोस्त को कॉल नहीं करते हैं हम उस टॉक्सिक जॉब से नहीं निकलते हैं हम जिम नहीं जाते हैं हम आई लव यू नहीं बोलते हैं हम अपने माँ बाप को कॉल नहीं करते हैं क्योंकि हम जल्दी में हैं जीतने की जल्दी में तो हम जीना ही पोस्टपोन कर देते हैं सच यह है कि जैसे आप अपने बॉडी को अपने ट्वेंटीज में ट्रीट करेंगे वैसे ही आपकी बॉडी आपकी पूरी जिंदगी को ट्रीट करेगी सच ये है कि लाइफ एक गोल नहीं है वो एक दिन है हर रोज एक चलता हुआ दिन ये ट्वेंटीज ना एक बहुत ही वियर्ड डेकेड होता है हम चारों तरफ लोगों से घिरे होते हैं लेकिन हमें तब भी अकेलापन महसूस होता है और 42 की उम्र में आज मुझे रियलाइज होता है कि ये सारे जो रीजंस है ना वो सेल्फ इंपोस्ड बिलीव्स थे कि हमें अपने 20s कैसे जीने चाहिए एक सेट ऑफ रूल्स जो हमें लगता था फिक्स्ड है लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है ये दुनिया पूरी कोशिश करेगी इन रूल्स को आप पे थोपने के लिए वो ये बताने की कोशिश करेगी कि अगर इन रूल्स से आपने अपनी जिंदगी नहीं जी तो आपकी जिंदगी बर्बाद है लेकिन इस डेकेड में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश करिए अपने गलतियां करिए उन गलतियों से खुद अपनी सीख निकालिए लेकिन यह भी याद रखिए कि गलतियां आप हमेशा करते रहेंगे तो सवाल यह नहीं है कि आप किस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां आपसे कोई गलती ही ना हो सवाल यह है कि आप किस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां आप ये गलतियां दोहराएंगे नहीं एंड अगर आप किसी और की गलती से सीख सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट गलती होती है तो मैं आशा करता हूं कि ये एपिसोड ये पॉडकास्ट इसी रीज़न के लिए आपके लिए मदद कर रहा कि आप मेरी गलतियों से वो सारी चीजें जो मैंने अपने ट्वेंटीज़ में अपने आप को कही उससे अपने आप को वाकिफ कराने के लिए ताकि आप अपने आप को जबरदस्ती चीजें ना बोलें ऑल द बेस्ट अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर